ग्रीटिंग्स माय वी फैमिली ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं हूँ आपका चीफ और समय हो चुका है 3:40 AM। और राइट, आज बुधवार का दिन है और यहाँ ISB बूट कैंप का 5वां दिन है और हम सब यहाँ डाइनिंग रूम में हैं जहाँ पर सभी इन सर्विस कोर फैसिलिटेटर्स और पूरे गठबंधन ने पूरा किया है 4th या शायद 5वां दिन, जो कि पूरी तरह से अविश्वसनीय था। मैं थोड़ा इमोशनल हूँ क्योंकि मुझे वेडनेसडे मैसेज को ISB से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है और हमने लगभग 2.5 सालों से कोई वास्तविक मुलाकात नहीं की और अब आखिरकार हम सब एक साथ आए हैं इस ISB में, जो मलेशिया के किसी भयानक जंगल में है। और ये एक टॉप सीक्रेट है, मैं नहीं बता सकता। मेक श्योर कि आप रजिस्टर करें और नेक्स्ट ISB में सीट पा सके। और आज मैं आपका चीफ सीधा आपसे बात कर रहा हूँ और मेरे वेडनेसडे मैसेज के एंड में मेरे पास 5 सरप्राइज मैसेजेस हैं आप सभी के लिए उन महान लोगों की तरफ से। गाइस, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि आप लोगों से बात करते वक्त मुझे घुमा फिरा कर बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है और आज वही दिन है, तो इसे एक वेकअप कॉल समझें। कुछ समय पहले दातुश्री विजय मुझसे कहते थे कि पद्मन, क्या मैं 2 मिनट में तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ ताकि मुझे इसके लिए तुम्हारे साथ 2 घंटे वेस्ट न करने पड़े, और वे मुझे ज़ोर से हिट करके एक वेकअप कॉल देते थे। तो आप अभी इसी वक्त जहाँ भी हैं, जो भी कर रहे हैं, उसे छोड़कर जो मैं बताने जा रहा हूँ उस पर फोकस करें। गाइज, आप लोगों ने एक डिसीजन लिया एक जर्नी शुरू करने का, एक एंटरप्रेन्योर के रूप में, एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में। आप एक सामाजिक समूह से नहीं जुड़े, ना ही आप इसे सिर्फ ट्राई करने के लिए जुड़े हैं। अगर ऐसा है तो आप कभी सफल नहीं होंगे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपने एक सपना ढूंढ लिया है जिसके लिए आप मर सकते हैं, लड़ सकते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि किसी ने आपका हाथ पकड़ा, आपके मुंह पर जोर से मारा और आपको इसे एक बड़ा डिसीजन बनाने के लिए कहा, ना कि आपकी लाइफ की जर्नी का एक अन्य साधारण डिसीजन। अब जब आपने ये जर्नी शुरू कर दी है तो ये कोई गुलबहार का फूल नहीं है, कम ऑन स्मेल द कॉफ़ी, क्योंकि आप लॉलीपॉप नहीं फाइनेंशियल फ्रीडम मांग रहे हैं, ऐसा कुछ जो आपके पिता के पास नहीं था, आपके दादा के पास नहीं था और ना ही आपके परदादा के पास। आप एक बदलाव लाना चाहते हैं, ऑलराइट, आपके परिवार की आने वाली पीढ़ियों के लिए, और इसके लिए आपको एक बड़ी कीमत चुकानी होगी। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि आप ये कीमत चुकाना चाहते हैं या नहीं, तो डोंट वरी, आप मैक्स आउट नहीं होने वाले हैं। और मैं आपको बहुत सारे सीक्रेट्स बता चुका हूँ, सफलता के, प्रेजेंटेशन के, 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के, हर चीज़ के, तो इसका उत्तर बस आप हैं। तो आपके पास एक चॉइस है, आप बहानों के पहाड़ के पीछे छुप सकते हैं जो हर एंटरप्रेन्योर के पास होता है, ना केवल नेटवर्क मार्केटिंग एंटरप्रेन्योर के पास। कोई नहीं सुनता मेरी, एक प्रोस्पेक्ट को लाना मुश्किल है, पैसा, मार्केट, देश, आपका वित्तीय माहौल, कोरोना वायरस के सभी प्रकार, परिवार से सपोर्ट नहीं मिल रहा, एक मुश्किल परिस्थिति, अपलाइन सपोर्ट नहीं करते, डाउनलाइन मेरी बात नहीं सुनते। ऑलराइट, मुझे ज़्यादा मोटिवेटेड फील नहीं होता, मुझे नुकसान महसूस होता है, मुझे क्लैरिटी चाहिए, मुझे गाइडेंस चाहिए, मुझे एक ब्रेक की ज़रूरत है, ये सब एक ही कैटेगरी में आते हैं, बहाने। इन बहानों के पीछे छुपना बंद करो, या तो आप ये करना चाहते हो या आप ये नहीं करना चाहते। और जिस मिनट आप किसी एक के लिए सीरियस हो जाते हैं, तब मेरी मुख्य सलाह आपके लिए यही होगी जो मैं लाखों बार बता चुका हूँ, कंसिस्टेंसी। सबसे बड़ी भूल जो लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में फ्रस्ट्रेशन तक लेकर जाती है, वो बस ये कारण है कि वे इतने कंसिस्टेंट नहीं थे उस मुकाम को पाने के लिए। और कंसिस्टेंट से मेरा मतलब है Eat, Sleep, Eat, नेटवर्क मार्केटिंग, QNET, द वी। ये कुछ है जो आपसे अलग नहीं है, ये कुछ ऐसा नहीं है जो आप कर रहे हैं, आप और नेटवर्क मार्केटिंग एक ही होने चाहिए। अगर आप सभी मैक्स आउट किंग्स और क्वीन से पूछते हैं, अगर आप उन 5 सज्जनों से पूछते हैं, वे तुम्हारे साथ वो ज्ञान बांटेंगे। एक बार मैं अपनी बात खत्म कर लूँ तो आंसर बहुत इजी होगा, ये कुछ ऐसा नहीं है जो मैं कर रहा हूँ, ये मैं हूँ, ऑलराइट। और अगर आप लोग सीरियस हो उसे एक लक्ष्य के लिए, अगर आप सीरियस हो उसे एक चीज़ के लिए, वो चीज़ जिसकी हर कोई बात करता है, जिसे शायद आप सभी सचमुच समझते हो, जिसे कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, अगर आप उसके लिए सीरियस हैं और इसकी कीमत चुका देते हैं, हर काम कर लेते हैं जहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है, जहाँ कोई ऐसे सीक्रेट्स नहीं है जो हम आपको बता दें और आपको हर चीज़ मिल जाए चुटकी बजाते ही, एक कीमत है जो चुकानी पड़ेगी लेकिन वो उसके लायक है।
मैं जानता हूँ कि कोई भी जर्नी आसान नहीं होती, लेकिन मुझे नहीं पता आपको किसने बताया कि आसान होगी। जब मैं पीछे मुड़कर अपनी जर्नी देखता हूँ, मैं रोया था, मैंने लगभग हार मान ली थी, मैंने अपने महान अपलाइन दातू श्री विजय से शिकायतें की थी। ऑल राइट, मैंने खुद से सवाल किए, मैं गुड वीक्स और बैड वीक्स दोनों से गुजरा। ऑल राइट, मैंने संगठन बनाए जो बिखरे और गायब हो गए, और ऐसा हर वी पार्टनर जापा और दातू श्री विजय सभी के साथ हुआ। पर एक मुख्य का अंतर था कि उन्होंने मुझे कभी हार नहीं मानने दी, हमेशा मुझे वापस खींचते रहे, मुझे मेरा वाई याद दिलाते रहे, मुझे मेरे कंफर्ट जोन से बाहर निकालते रहे और मुझे इस डिप्रेशन की घड़ी से मैं गिरने से बचा लिया। ऑल राइट, मेरे अपलाइन दातू श्री विजय ही वो महान इंसान हैं जिनकी वजह से आज हम यहाँ हैं। अब आप लोगों को एक बात समझने की ज़रूरत है कि आपकी क्षमता असीम है और यह हमेशा रहेगी। यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है जो आपको रोक सके उस असीम क्षमता तक पहुँचने में। आपको बस अपना काम करना है, कीमत चुकानी है। ऑल राइट, डटे रहो, रुके रहो, जैसा सती कहता है, एक और दिन के लिए होल्ड ऑन। और ये गाना सब कुछ कह देता है। अगर आप एक और दिन डटे रहने की कला सीख लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको कुछ वीडियोस पहले ही बताया था कि आप नहीं जानते कौन सा प्रोस्पेक्ट सती है, कौन सा प्रोस्पेक्ट अटली होगा, या अरुण या डेविड, आप नहीं जानते। ऑल राइट, और अगर आप हार मान लेते हैं या एक प्रेजेंटेशन नहीं करते, या आप एक न्यू मार्केट में जाने के लिए फ्लाइट नहीं पकड़ते, या आप ट्रेनिंग नहीं करते, या आप उस क्लास रीयूनियन में नहीं जाते जो आपके सभी पुराने दोस्तों से आपको फिर जोड़ देता है, अगर आप समय पर व्हाट्सएप रिप्लाई नहीं करते, अगर आप कॉल का रिप्लाई नहीं करते, चाहे फिर आप पूरे दिन घर से बाहर रहे हों और वापस आकर आपने सोफा पर बैठे हैं अपनी हॉट चॉकलेट के साथ अपने पैरों को ऊपर रखकर, और कोई आपको कॉल करता है, तब भी आपको वह कॉल उठाना है। क्योंकि हर वो मौका जो आप गवा देते हैं, वो वह व्यक्ति हो सकता है जो आपका रास्ता बनाने वाला है नेक्स्ट साउथ तक, आपके ट्रैकिंग सेंटर के लिए। तो अंत में आंसर ये इंडस्ट्री नहीं है, ना ही मैं और ना कोई और, उत्तर है आप खुद। यह आपकी जिंदगी है। याद है डिजिटल वीकॉन में अरुण जॉर्ज ने क्या कहा था कि मुझे लगता है फाइनेंशियली फ्री बनने के लिए हम सभी को बड़ा होना पड़ेगा। तो मैं आपका चीफ, आप में से हर किसी को बता रहा हूँ, ये सबसे अच्छा मौका है, सबसे अच्छा समय है, और सबसे बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी पूरे संसार की क्यूनेट इंडस्ट्री, महान अपलाइन दातू श्री विजय ईश्वरन खुद। सो ग्रो अप, आपकी लाइफ, आपकी जर्नी। मैं आपको बस ये गारंटी दे सकता हूँ कि इस जर्नी के अंत में है फाइनेंशियल फ्रीडम, जो मैंने देखी है, पाई है। और इस संसार में आपके और मेरे जैसे हजारों लोगों को इन 24 सालों में इसे पाते हुए देखा है। पर अब यह आपका समय है। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे याद आती है वो एक कहानी एक नेटवर्क की, रेमोन, जो कि पहले जेल में थे, जेल से बाहर आए, उन्होंने नेटवर्किंग शुरू की, और वो एक दिन अपने 40,000 डाउनलाइंस के सामने स्टेज पर गए और उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास के सबसे गंभीर बयान दिया, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि या तो आपके पास सपने हो सकते हैं या बहाने, आपके पास दोनों एक साथ नहीं हो सकते। और आज मैं चाहता हूँ कि आप असली ड्रीमर्स दातू श्री विजय के असली वॉरियर्स से सुने, हमारे ग्लोबल संगठन के असली पिलर्स, उनमें से हर एक मैं आपको देना चाहता हूँ 30 सेकेंड्स, वो विजडम जो आप इस वीक अपनाएंगे अपनी रैंक एडवांसमेंट के लिए, अपनी रैंक को और ऊपर ले जाने के रेस में। आई लव यू गाइस, ISB इज अनबिलीवेबल, और सभी ISB प्रतिभागियों के लिए बधाइयाँ। मैं आशा करता हूँ आपने वो किरण देखी, आपने अपना डिसीजन लिया। और राइट, और याद रहे, मैं कंट्रोल कर सकता हूँ आपको। और अब मैं पेश करता हूँ एकमात्र सती सेनाति राजा। हे गाइस, ये वीक 30 है और मैं चाहता हूँ आप कुछ करें। मैं चाहता हूँ कि इस वीक आप अपना BV काउंट बढ़ाएं, कम से कम भी 30,000 BV, क्योंकि ये है वीक 30। लास्ट वीक से इस वीक में इसे बढ़ाओ 30,000 BV तक। वीक 30 को अपना बेस्ट वीक, आज तक का बेस्ट वीक बनाओ, आप कर सकते हैं। और अब मैं पेश करता हूँ VP अटली।
ओके गाइस, एक बार फिर जैसा कि चीफ ने कहा कि फाइनेंशियल फ्रीडम का कोई शॉर्टकट नहीं है, ये शुरू होता है अपने सपने को ढूंढने से, अपने सम्मोहक कारण को ढूंढने से। बिना उसके या बिना सपने के या तो आपकी आंखों में आंसू आएंगे या खुशी हर दिन आपके लिए खुशी लेकर आएगा। हर दिन उस सपने के लिए काम करें, यही एक तरीका है जहां से ये शुरू होता है, तभी आप बनेंगे फाइनेंशियल फ्री। अगर आप डटे रहेंगे अपने सपने के लिए और अपने गोल के लिए, तभी अब आप मिलेंगे द वन एंड ओनली वीपी अरुण से। ऑलराइट, तो मैं बस एक संदेश देना चाहूँगा। मेरा संदेश है कि बस ये करते रहो। आपके पास बहुत एडवाइसेस हैं हर वेडनेसडे, हर सैटरडे आपके चीफ की तरफ से, तो छुपना बंद करो। सबसे वर्स्ट बहाने के पीछे जो आप दे सकते हैं कि मुझे नहीं पता क्या करना है, आपको पता है कि क्या करना है, और अब जाओ और वो करके दिखाओ। ऑलराइट, तो अब आप मिलेंगे वी पार्टनर डेविड शर्मा से। तो जैसा चीफ ने कहा, फाइनेंशियल फ्रीडम का कोई शॉर्टकट नहीं है। सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं मानता हूँ वो है सही वैल्यू सिस्टम होना, सिद्धांत। याद रहें, आप एक भविष्य बना रहे हैं, ना केवल खुद के लिए पर आपके पूरे परिवार के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए। आपके डाउनलाइंस आप पर भरोसा करते हैं, सीधे या टेढ़े तरीके से। तो आपका वैल्यू सिस्टम, आपके सिद्धांत मदद करेंगे इस संसार का सबसे बड़ा नेटवर्क सिस्टम बनाने में। आई लव यू गाइज, और मैं चाहता हूँ आप स्वागत करें वीपी देवजो का। गाइज, चीफ ने शुरुआत में सपनों की बात की थी, राइट? तो अपने सपनों को सच करें। आप किसी भी चीज़ को नेक्स्ट वीक पर नहीं डाल सकते, क्योंकि नेक्स्ट वीक कभी नहीं आता। और जैसा वीपी सेठी ने कहा, इस वीक को बेस्ट बनाएं। और आप सब जानते हैं, आप में से कईयों के मार्केट्स में सौभाग्य आ रहा है, सफलता है, बस 3 दिन बचे हैं, तो कर दिखाओ बस 3 दिनों में। और ये आपको देगा वो गति जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। तो मैं बस कहूँगा कि वहाँ जाओ और ये करके दिखाओ, क्योंकि सपना और जो सफलता की सीढ़ी है। तो आप डिसाइड करें आपको सफलता चाहिए या नहीं। अब चीफ आपसे बात करेंगे। गाइज, आपने सुना सेठी, अटली, अरुण, डेविड, देवजो, और इस सुपर डुपर वेडनेसडे मैसेज को खत्म करने से पहले मुझे दत्तुश्री विजय के शब्द याद आ रहे हैं, वो करो जिससे आपको प्यार हो। ऑलराइट, मैं जानता हूँ गाइज कि ये हर उस चीज को पाना है जिसे आप पाना चाहते हैं, पर इस जर्नी से आपके चेहरे पर एक स्माइल आनी चाहिए। इस जर्नी से कई मजबूत संबंध बनेंगे, जैसे मेरे हैं अपने इन भाइयों के साथ। ये जर्नी उद्देश्य से प्रेरित होकर आगे बढ़नी चाहिए, लक्ष्य से प्रेरित होकर, और वो उद्देश्य पिछले 24 सालों से कभी नहीं बदला। आज ISB में आने और बोलने से पहले मैंने दत्तुश्री विजय से पूछा, आपका ISB के लिए सबसे ज़रूरी संदेश क्या है? और उन्होंने मुझे ये याद दिलाया कि हम यहाँ सिर्फ लाखों करोड़ों बनाने नहीं आए, हम यहाँ आए हैं वो मिलियनेयर्स बनाने जो संसार बदलेंगे। वापस आते हुए, रेज योर सेल्फ टू हेल्प मैनकाइंड। तो वीक 30, जैसा कि सेठी ने कहा, इसे अपना बेस्ट वीक बनाएं। आई लव यू गाइज।